So coordination compound products का weightage भी 3 to 5 mark का इसमें few important nomenclature concepts और ये दो तीन topic concept जो है important concept है but अपने को तो करना पूरा ही है। तो coordination compound में देखो starting का जो part है introduction जो ठीक है उसके बाद आपका direct क्या है ligand है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको सबसे पहले इसके बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये अपने को पहले आना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एक्सप्लेन किया आपको इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके पहले भी अगर आपको आना चाहिए तो एसिड का कॉन्सेप्ट और लिविस बेस का कॉन्सेप्ट, बिकॉज लिविस एसिड और लिविस बेस के बीच में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो पहला लिविस एसिड क्या होता है, लिविस एसिड मींस कॉल्ड a substance which have ability to accept electron pair known as what Lewis acid means, this is the electron pair acceptor. Lewis base means what a substance having ability to donate electron pair known as what Lewis base. अब जैसे इसमें लिविस एसिड में हम कुछ एग्जांपल करें, BF3 एल्यूमिनियम क्लोराइड H+ ये सब क्या है बेटा लिविस एसिड H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका डबलेट कंप्लीट करने के लिए नो हाइड्रोजन और लिथियम डबलेट कंप्लीट करते हैं, तो टू कंप्लीट द डबलेट दे रिक्वायर द व्हाट 2 इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन पेयर। Br3 बोरॉन सेंटर एटम में इसके ऊपर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एल्यूमिनियम क्लोराइड एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13, 283 आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, मतलब एल्यूमिनियम पे यहाँ पे भी कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, तो दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज ए व्हाट लिविस एसिड। लिविस बेस दे हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट ही हो बट दे शुड हैव ए व्हाट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल अमोनिया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फिगरेशन 2-5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन 6 सही हो गया, 2 एक्स्ट्रा दिखाया आपको, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन आइटम, तो दे हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई अमोनिया इज कंसीडर्ड एज ए लिविस बेस। अमोनिया हो गया, वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिविस बेस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दे हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अल्कोहल ईथर
amine, they have what? Ability to donate the electron pair. That's why they are considered as a Lewis base. अब Lewis acid और Lewis base के बीच में अगर हम देखें coordinate bond अगर हम बना के देखें तो होता क्या, देखो coordinate bond between ammonia and BH3 molecule, nitrogen के पास एटॉमिक नंबर कितना है, पांच, सेवन, कॉन्फिगरेशन पांच है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, इसके पास बचा कितना, दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा पूरा। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इनवर्ट, सॉरी सिक्स नहीं, एक इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया, बराबर। अब अगर हम बी एफ थ्री की देखें, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है पांच, आउटर मोस्ट में तीन, तो तीनों इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया। अब अगर हम बोरान को देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन ऑन बोरान इन BF3 मॉलिक्यूल, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हुआ, एफिशिएंट कौन हुआ, एफिशिएंट तो अमोनिया हो गया क्योंकि सेंटर एटम में नाइट्रोजन पे एट इलेक्ट्रॉन है ना, और नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया है तो दे हैव एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके लिए आपका जो अमोनिया होता है वो लिविस बेस और BF3 क्या होता है, लिविस। तो बॉन्ड होते हैं तीन, एक आयोनिक और एक कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो आप एरोज दिखाते हो जिसमें जो हेड है दे आर शोइंग द इलेक्ट्रॉन गेनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और दे आर शोइंग द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लिविस बेस और लिविस एसिड का कांसेप्ट आपको आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड व्हिच आर फॉर्मड बाय द व्हाट, डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सेंटर एटम ऑफ वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, that is called as the word coordinate bond. This coordinate bond is also called as dative bond. Okay. इसका और example मैं आपको दे रहा हूँ, coordinate bond in ammonium ion. Coordinate दिखेगा इधर क्या? Coordinate bond in NH4 plus, क्या नाम इसका बेटा, अमोनियम आयन। यहां पे भी देखिए अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन बनता कैसे है, इधर आपका नाइट्रोजन है NH3, प्लीज आवाज नहीं, ये अमोनिया हो गया, अमोनिया जब एच प्लस के साथ कंबाइन होगा एच प्लस तो होता क्या बेटा, देखो नाइट्रोजन है एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू एच प्लस आयन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बॉन्ड क्या बनेगा, देखो पहले तो NH3, ये जो 3NH बॉन्ड है ये तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक जो नया बॉन्ड बना है एन और एच के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है अमोनियम का NH4 का। अब नाइट्रोजन ऊपर प्लस दिखा दो चाहे इसके ऊपर प्लस, बट अगर याद रखना चाहिए पॉजिटिव साइड है नाइट्रोजन का, समझा आपको, ऐसे ही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन हाइड्रोनियम आयन। आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारे टाइम हम हाइड्रोलिसिस करते थे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आप H2O H+ की जगह पे HCO+ लिखते थे,
हाइड्रोनियम आयन HCO प्लस, देखो बनता है ये हो गया आपका H2 H O H, ऑक्सीजन पे लोन पर रखे कौन है तो भी वाटर का एसी के साथ रिएक्शन होगा H+ के साथ, तो दे आर गिविंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन क्या करना है उसको इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करते हैं, तो लुईस बेस हुआ और एक क्या हुआ लुईस एसिड। तो यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा आपका ओ एच एच और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना क्वाड्रेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन अभी एक बचा दे आर पॉजिटिव, डायरेक्टली इसको लिखते हैं एस क्यू एस, समझा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आई थिंक कांसेप्ट क्लियर हो गया आपको, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डीडी बॉन्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सारे मॉलिक्यूल्स में सारे कॉम्प्लेक्स में हम क्या पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही करेंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उसके पहले आपको आना चाहिए। तो लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट या डीडी बॉन्ड क्या होता है वो आना चाहिए, क्लियर। तो चैप्टर का नाम डाल दें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसका एक और नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहे तो समझ जाने का दैट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन हो तो लिख लो, है ना, स्टिक कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन लिख लो, बोलो अ बॉन्ड विच फॉर्म बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सेंटर एटम, फ्रॉम सेंटर एटम ऑफ वन स्पीसीज टू Another species, बराबर ना, known as coordinate bond. Next line लिखना, coordinate bond formed between Lewis acid and Lewis base. Coordinate bond formed between Lewis acid and Lewis base. Lewis base क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और Lewis acid क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और उसके नीचे Lewis acid लिख लो, Lewis base लिख लो, example लिख लो, और फिर बता दो coordinate bond. ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है ना कि एरो क्या शो करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज शोन बाय एरो, हेड शोइंग द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना, और जिधर टेल रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इज अंडरस्टूड पार्ट। ठीक है, इंफॉर्म है, क्लियर।
एनएच3 का स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? NH3 का स्ट्रक्चर, हाँ, NH3 में नाइट्रोजन के पास ये दो, एक लोन पेयर का नाम समझा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2 5, बचा आउटर मोस्ट में कितना 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में गए, बचा कितना 2 NH3 हो गया, ये BF3 5, तो ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ तुझे सब कुछ आ रहा है, पता नहीं क्यों पूछा रहा हूँ। BF3 तो बोरान में आउटर मोस्ट में कितने 5, वो मैं फालतू बता रहा हूँ, उसको आ रहा है सर, जो भी समझ रहा होगा समझ ले, सुन ले, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5, एक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 2 3, आउटर मोस्ट में कितना लगता है 3, तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब मुझे बताओ इसमें एफिशिएंट कौन है, एफिशिएंट कौन है, एफिशिएंट बी एफ थ्री एफिशिएंट है कम, गलती से नाम बताएगा ना, नहीं तो नहीं मुझे कैसे लगेगा। और इधर NH3 में इधर लोन पेयर है बराबर ना, तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बता, इधर से उधर वही तो करेगा, तो NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दो साल से तुझे पढ़ा रहा हूँ, इतना समझ सकता हूँ तुझे क्या नहीं आ रहा होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इसका खुद का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मैंने इधर आर्ट किया ना, मिस किया पर्सनल, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर दिए। Thank you.
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इसका डेफिनेशन आपके बुक में डायरेक्टली लिगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट। तो पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आपने कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने एक एग्जांपल सुना होगा, कभी तो मिला होगा एग्जांपल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देखा होगा तो ठीक है, ऑलवेज ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिखता है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें Fe जो होता है ए आपका क्या होता है बीच में जो होता है सेंटर मेटल, क्या बोलते हैं उसको, मेटल, मेटल एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। दूसरा जो पार्ट होता है इसमें बेटा वो होता है आयन, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लिखो Ni H2O 6+3। आगे जो सेंटर वाला होता है ना मेटल है आयन होगा
और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो न्यूट्रोफिलिक हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, लिगैंड। क्या बोलते हैं हम, ये लिगैंड है और एक क्या होता है मेटल। तो मेटल और लिगैंड के बीच में क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है, जैसे एनआई है तो एनआई H2 क्या करता है उसको बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सिक्स है मतलब सिक्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, क्लियर। जब भी सिक्स है मतलब सिक्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, तो द कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल मेटल आइटम और आयन इज सराउंडेड बाय, क्या बोल सकते हो, दे आर लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ अपोजिट चार्ज स्पीसीज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अपोजिट चार्ज स्पीसीज मतलब आयन आर वॉट न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें मेटल सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर, तो एट द फर्स्ट डेफिनेशन। Right, a compound in which central metal atom ion, दोनों लिख लो, atom जो सकता हो ion जो सकता। A compound in which central metal atom या oblique करके ion भी लिखो, central metal atom हो लिखो चाहे ion, central metal atoms ion are coordinated with opposite charge species or neutral molecule bracket में लिख देना ligand ligand then by coordinate bond known as coordination compound, example first K4 Fe CN6 Ni CO ठीक है, तो एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बनना है। अब इसमें आपको लिगैंड सेंट्रल मेटल ये सब क्या पढ़ना होगा, देखो डेफिनेशन आप इजीली भी लिख सकते हैं, जो मैंने वो लिखवा दिया ना अपोजिट चार्ज न्यूट्रल, उसके जगह भी लिगैंड लिख सकते हो। डेफिनेशन ऐसे भी हो सकता था, अ कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड both are attached together by coordinate bond known as coordination compound, simple, clear ma'am। तो definition हो गया, इसके बाद example हो गया, अब हम आते हैं, अब term involved in the coordination compound, मतलब जो जो भी terms coordination bond में हमें पढ़ना है, तो पहला ही topic आपको देखो book में दिया है type of ligand, मिला आपको, तो type of ligand के पहले आप heading डालो ligand, लिगैंड तो
Ligand is what? In coordination compound species which have ability to donate electron pair. So electron pair donate सकता है. तो इलेक्ट्रॉन पे डोनर होता है, चुंबक भी बेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? लिगैंड. ठीक है, जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिगैंड. क्लियर? तो राइट द डेफिनेशन ऑफ लिगैंड. अपोजिट चार्ज स्पीसीज, अपोजिट जगह पे सॉरी चार्ज भी लिखोगे चलेगा. A charge species or neutral molecule which donate electron pair to central metal atom or ion. Atom ion जब लिखते हैं तो ऑर्बिट आ जाएगा. To central metal atom or ion. Then and form coordinate bond. And form coordinate bond with central metal atom or ion. Then in complex bolo chahe coordination ka bond ek hi hai, in complex known as ligand. Next time se likh sakte ho ligand is Lewis base. लिगेंड क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन समझा आपको. लिगेंड क्या है बेटा? कोई कुछ लिगेंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड में तो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? मेटल के साथ, उसको हम बोलेंगे लिगेंड. क्लियर? अब लिगेंड जो होते हैं बेटा, मुझे चार्ज और न्यूट्रल सब दिख पाया है, तो ऑन बेसिस ऑफ काइंड ऑफ डोनर एटम. जैसे किसी मॉलिक्यूल में एक डोनर एटम हो, किसी में दो, किसी में तीन हो, उसके बेस पे इसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करेंगे. तो हेडिंग डालिए टाइप ऑफ लिगेंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. टाइप ऑफ लिगेंड्स लिखे ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम. ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड on basis of number of donor atom ligand can be classified in following three types. देखिए आपके बुक में तीन टाइप दिया होगा, एक मोनोडेंटेड, एक पॉलीडेंटेड और एक एम्बीडेंटेड. तो सबसे पहला कौन? मोनो डेंटेड लिगैंड. मोनो डेंटेड लिगैंड मतलब बड़ा जिसके पास केवल एक डोनर एटम हो. क्लियर? या जो एक ही पॉइंट को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता हो एक ही पॉइंट से, उसको हम बोलेंगे मोनो डेंटेड. तो राइट, लिखिए लिगैंड विच कंटेन
सिंगल डोनर एटम हो गया टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन या एटम टू सेंट्रल मेटल एटम आर आयन नोन एज मोनोडेंटेट लिगैंड डेंटेट लिगैंड। आप ऐसे लिखो सिंगल लाइन का लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। जैसे लिगैंड विच कंटेन सिंगल डोनर एटम, समझा आपको? इमरजेंसी के लिए अगर कुछ नहीं आया इतना डायरेक्ट लिखो तो अभी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। द लिगैंड विच कंटेन सिंगल डोनर, जिसमें एक ही डोनर एटम हो उसको बोलेंगे मोनो डेंटेट लिगैंड। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे आपने लिया फर्स्ट फ्लोराइड आयन, आइटम एक ही है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो देखो होते हैं सिक्स, बराबर ना? फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ओएच माइनस ऑक्सीजन के लोन पे रिलेटेड है डोनर एटम, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, ये भी क्या हुआ आपका मोनोडेंटेट लिगैंड साइनाइड है। NH2 माइनस, ठीक है, एक हो गया बेटा सारे निगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल वाले क्या हो सकते हैं? H2O है तो टोटल तीन आइटम, डोनर आइटम उसमें क्या है ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन हो। ये तो समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन पे नहीं होता, हाइड्रोजन पे नहीं होता। दूसरा अमोनिया, ठीक, अमोनिया में किस पे बेटा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ मोनोपेंटेट लिगैंड। आपको क्वेश्चन ऐसे आ गया सपोज What is the ligand limit classification example? तो definition दो, type of ligand में monodentate एक या दो example, poly में एक दो example और MB में कोई एक भी हो सकता है। What is monodentate ligand की example? एक definition और एक mark example। तो मोनोडेंटेट क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉली डेंटेट लिगैंड। पॉली मतलब क्या होगा, विच कंटेन मोर देन वन, टू या मोर, बराबर ना? लिखिए the ligand which contains
The ligand which contain two or more donor atom, ठीक है ना, to link with center atom or ion, known as donor atom है, मतलब वो sharing करने के लिए ना, then बेटा known as polydentate ligand. अच्छा आप देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है ये फर्दर क्लासिफाइड, पॉली में क्या क्या हो सकता है, जिसमें दो डोनर एटम हो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइडेंटेट लिगेंड. अब इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, अब इसमें एग्जांपल करते हैं. बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल देखो क्या है, फर्स्ट ethylene diamine, right? इसका structure देखो, CH2, NH2. यहाँ देखो आपको दो donor atom है nitrogen के पास, तो मतलब ये दो side से क्या करेगा, electron क्या है donate करेगा, दो साइड है, इसके लिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट. इसका शॉर्ट में नाम है EN. जब हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं ना, जैसे K4FeCN6 लिखा, तो जो ब्रैकेट में लिगेंड है पूरा बड़ा सा नाम ना लिखे, हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EN. तो यहाँ अभी से याद रखो, EN मतलब इथिलीन डायमाइन, ये हो गया. फिर उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, ऑक्सलेटो आयन, इसको हम लिखते हैं OX, ठीक है, OX लिखा रहे, समझो ऑक्सलेटो आयन है. ऑक्सैलिक एसिड सुना है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, दो कार्बोक्सिल ग्रुप बराबर ना, जैसे H निकला है जैसे भी H निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इसका स्ट्रक्चर CO- तो ऑक्सीजन में जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहाँ भी दो डोनर एटम है, दो साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. ये दो एग्जांपल याद रखोगे बाइडेंटेट का, एक ऑक्स और एक ईएन. ऑक्स मतलब ऑक्सीलेटो आयन, ईएन मतलब इथिलीन डायमाइन. चलो कंप्लीट करो पहले, मेरे पास स्पेस कम है, एक एक बताते जाओ. Thank you.
चलो बाइट हंड्रेड हो गया, नेक्स्ट देखो। आवाज कम करो, ट्राइडेंट लिगेंड, ट्राइडेंट लिगेंड मींस आर दिस कंटेन थ्री डोनर एटम नोन एज ए ट्राइडेंट। एग्जांपल ट्राइएथिलीन, ट्राइअमाइन, डाई, ठीक है ना, डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। देखो इसका एग्जांपल, देखो डाई इथिलीन बोल रहा है, पहले CH2 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 डाई इथिलीन हो गए, अब बोल रहा है अमाइन, तो एक यहाँ पे NH2 आ गया, एक इधर NH2, और एक दोनों के फर्स्ट पे होता है ना, दोनों के बीच में NH। तो आप देखो दोनों में तीन डोनर एटम हो गए, A1 2 3। तो किसी भी मेटल को थ्री साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राइडेंट। सी टेट्रा, एग्जाम्पल लेकिन एटलीस्ट जानते रहो, इसमें विच कंटेन फोर डोनर एटम, एग्जाम्पल इसमें ट्राइएथिलीन टेट्राअमाइन, इसमें हो गया आपका ट्राई, तो तीन इथिलीन करना है, तो CH2 CH2 1 2 3 4, पहले सब पे एंड पे और इधर बीच में दोनों के, डन। अरे समझ में, तो यहाँ देखो चार डोनर एटम हो गए, चार साइड से किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा, तो एरो बनाने की जरूरत नहीं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ना कि दे आर डोनेट, दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द फोर्स सेंटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ टेट्राडेंडेट। ऐसे पेंटाडेंडेट होगा, आप एग्जांपल दे सकते हो उसमें टेट्राइथिलीन पेंटामाइन, क्लियर। अब हमें हेक्सा का इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वो ले लेना है, हेक्सा डेंटेट लिगैंड, हेक्सा डेंटेट लिगैंड मतलब बेटा विच कंटेन सिक्स डोनर एटम, इतना सिक्स, उसमें एग्जाम्पल है EDTA, देखो दिया होगा EDTA, EDTA जो है इथिलीन, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेटो, नाम है इथिलीन डायमाइन, नॉर्मली लिगैंड को हम ओके टू में बोलते हैं, यहाँ पे मेरे इसका नाम अभी बाद में मीनिंग से बनाएंगे नॉर्मली, जैसे कार्बोनेट बोलते हैं तो यहाँ पे कार्बोनेटो बोलते हैं, उधर सल्फेट उधर सल्फेटो, क्लोरो ब्रोमो तो बोलते हैं। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेटो, ठीक। अब इसको हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ओनली ईडीटीए लिखे हो तो आप लिखोगे इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, ठीक। अगर वो चार्ज के फॉर्म में लिख रहे हो तो एसिटेट, ठीक है। तो वहां पे ईडीटीए पे -4 दिखा रहा है,
ग्यारह है ना, सॉरी स्ट्रक्चर बनाया इथिलीन CH2 एथिलीन हो गया, फिर क्या बोल रहा है डायमाइन, इथिलीन डायमाइन में NH2 हो जाता है बराबर ना, बट इसमें बोल रहा है टेट्रा एसीटेटो, तो एसीटेटो मतलब क्या, एसीटी कैसे होता है ना, एस निकाल दिया तो बचा एसीटेट आया, तो इसे चार एसीटेट अटैच करने हैं, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी तीन होती है, तो एक तो इधर ही है, तो दो यहाँ से बना दो एसीटेटो, डबल बॉन्ड हो देखो करेक्ट है OCOCH3 या स्ट्रक्चर अगर यहाँ से ज्वाइन कराओगे तो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ से भी दो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, अब इसके छह डोनर एटम ढूंढना अपने ना, तो देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास नंबर है, नंबर ही कर रहा हूँ, फर्स्ट डोनर आइटम, सेकंड डोनर आइटम और एक, तो देयर आर टोटल सिक्स डोनर, समझा, दैट्स व्हाई दिस इज बीइंग ट्रांसफर्ड आर एक्स्ट्रा डेंटेट लिगेंड, सॉरी कंप्लीट करो, देखो डोनर आइटम ये भी है, ये और ऑक्सीजन के डोनर आइटम, और इसके कंपेयर में जहर अभी के कुल प्रेडेटर इलेक्ट्रॉन से मोर है नेगेटिव चार्ज के साथ साथ, Thank you.
मुझे पता है
during formation of compound, only one atom can be donate the electron pair. That is called as your ambivalent atom. है तो दो donor atom, but during formation of complex only one atom have got donating the electron. That type of ligand is called as ambivalent ligand. Okay. A ligand which contains a ligand which contain more than one donor atom but during formation of complex, only one donor atom, donate electron pair. Known as ambivalent ligand. Example देखो बेटा, first example cyanide ion, इसलिए मैंने इसको monodentate में नहीं लिखाया था. Cyanide ion जो होता है बेटा as two donor atoms. कौन कौन सा? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन. आपको मालूम है हाइड्रोजन डेरिवेटिव में रिएक्शन किए थे अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक के CN के साथ, तो RCN बना था अल्काइल साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड के साथ किए थे तो NC बना था. तो नाइट्रोजन एंड कार्बन बोथ हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. क्लियर? दैट्स व्हाई बेटा मेटल जब C से अटैच होता है उसको बोलते हैं मेटल साइनाइड, और जब भी मेटल N से अटैच हो उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड. ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया. सेकेंड NO2 नाइट्रो ग्रुप आयन एज टू डोनर एटम, इसके पास भी है डोनर एटम दो है, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, बट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या तो नाइट्रोजन डोनेट करता है या तो ऑक्सीजन. दिस इज एवरी मेटल. वन टाइम मेटल क्या करता है बेटा? एन से अटैच होता है, इसलिए स्ट्रक्चर है नाइट्रो ग्रुप. एक सेकेंड होता है आपका जब ये मेटल ओ से अटैच हो, इसको बोलते हैं आइसो नाइट्रो ग्रुप. ठीक, समझा? एच एन ओ टू का स्ट्रक्चर हम ऐसे ही डेवलप करते हैं, एच ओ एन डबल बॉन्ड ओ. तीसरा HCN माइनस आयन एज टू डोनर एटम, एक होता है यस और एक होता है नाइट्रोजन. वन टाइम मेटल जब
एस से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं मेटल थायोसाइनेट। और दूसरा बेटा, जब ये मेटल एन से अटैच हो तो हम बोलते हैं मेटल आइसोसाइनेट। क्लियर? ये आपको NH4CNS करके लैबोरेटरी में दो सॉल्यूशन होते हैं मिलेगा आपको, अमोनियम थायोसाइनेट और अमोनियम आइसोथायोसाइनेट। क्लियर हुआ? तो ऐसे तीन एग्जांपल हैं, याद रखोगे एम्बिडेंटेड का एक साइनाइड, एक NO2 और एक HCN। बुक में भी आई थिंक दिया आपको NO2 का दिया है, HCN का दिया है, बराबर ना? तो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, बराबर? एम्बिडेंटेड और बाइडेंटेड में कंसेप्ट क्या है? बाइडेंटेड में दो डोनर एटम उसमें भी होते हैं, बट उसमें दोनों डोनेट करते हैं एक साथ, इसके लिए बाइडेंटेड बोला गया। इसमें दो है बट एक ही डोनेट करता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, दैट्स व्हाई दे आर एम्बिडेंटेड। Thank you.
तो लिगैंड के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या देखो, टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। Terms used in coordination chemistry. तो इसमें क्या क्या टॉपिक दिया देखो, फर्स्ट एक ही दिया क्या, coordination sphere, चार्ज नंबर, coordination number, double salt. तो सबसे पहले तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं आपको एक एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन। पहले आपको एक जनरल कंसेप्ट आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कहां मेटल होता है, कहां लिगेंड होता है, वो आना चाहिए आपको। एक जनरल जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, सबसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होता है, मेटल होता है और लिगेंड होता है। एक्स नंबर लिखा मतलब वो फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है। राइट साइड में एनायन होता है और लेफ्ट साइड में अगर होता है तो एनायन। बट कैटायन और एनायन दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे आपको। ये आपको जनरल हुआ स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ। कैटायन पहले याद रखो, ब्रैकेट के लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो कैटायन, ब्रैकेट के राइट वाला जो पार्ट रहेगा वो एनायन। जैसे K4FeCl लिखा था मैंने, तो K ब्रैकेट के लेफ्ट में लिखा था मतलब वो कैटायन पार्ट है। क्लियर? तो ब्रैकेट के लेफ्ट में कैटायन, ब्रैकेट के राइट में एनायन और अंदर क्या आता है, मेटल और लिगैंड। तो कितने टाइप्स के कॉम्प्लेक्स देखो हो सकते हैं इसमें। फर्स्ट अगर केटायन लिखा है आपने, केटायन लिखा है तो अंदर क्या बचेगा, मेटल और लिगैंड, बराबर। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, लिगैंड हो सकता है, एनायन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ओनली मेटल हो सकता है, लिगैंड विथ पॉजिटिव चार्ज, नो कैटायन नो एनायन, बट उसके पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर। दूसरा हो सकता है बेटा, मेटल होगा, लिगैंड होगा और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। मैं एक एक का सबका एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। इसका एग्जाम्पल K4FeCN6। दूसरा क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, जैसे भी आप PtNSC4Cl2Cl, मेटल है, अंदर जितने भी होंगे चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, सब लिगैंड हो गए और बाहर है तो एनायन। थर्ड इसमें क्या क्या हो सकता है देखो बेटा,
This is your Cu NS3 4 plus 2 metal ligand और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. Fe(CN6)-4 मेटल होगा, लिगेंड होगा, उसके बाहर ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज. एक और टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मेटल नो केटायन, नो एनायन, नो चार्ज. क्लियर? एग्जाम्पल इसके NiCO4. समझा? तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते, एग्जाम्पल मैंने एक एक लिया, एक टाइप हो सकते हैं इसके. एक जनरल फ्रेम क्या होता है, केटायन आपको याद रहना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर मेटल है, ब्रैकेट के लेफ्ट में केटायन, ब्रैकेट के राइट में. क्लियर? और कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, जहां पे केटायन के साथ दिया हो तो केटायन मेटल लिगेंड, या मेटल लिगेंड एनायन, या मेटल पॉजिटिव मेटल लिगेंड नेगेटिव मेटल नेगेटिव नो चार्ज. समझा? ऐसे टाइप हो सकते. अब ए मालूम होने के बाद हम चलते हैं फिर एक एक पार्ट पे करते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब स्फीयर देखो होता क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल और लिगेंड होते हैं उसको हम टुगेदर क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी दो टाइप के स्फीयर होते हैं, इनर एक आउटर. तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट दैट इज द इनर स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर वाला क्या होता है, आउटर स्फीयर. तो पहले इतना लिख लो फिर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तुझे पूछ रहा हूँ, हाँ क्या उससे क्या बात कर रहा है अभी, मैं बाजू वाले से अभी बोल नहीं, बात कर रहा था, क्यों कर रहा था, बोलना.
ब्रैकेट के अंदर का जो मेटल होता है लिगैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब इसमें होता क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट होता है और इनके बीच में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का एक पार्ट हो गया स्पीयर है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। तो जिसको डिसोसिएट करेंगे जैसे KCl को डिसोसिएट करते हैं तो आपको K प्लस मिलता है Cl माइनस। ऐसे यहाँ पे ओनली जैसे वाला कंपाउंड है केटायन और मेटल लिगैंड इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज और इसको जब डिसोसिएट करोगे तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। समझा चीज ये पॉजिटिव निगेटिव कब आता है आफ्टर डिसोसिएशन। क्लियर। तो केटायन जो होता है कॉम्प्लेक्स के साथ और एनायन जो है कॉम्प्लेक्स के साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल और लिगैंड है उसके बीच में क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। समझा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो डिसोसिएट नहीं होता। कौन डिसोसिएट होता है ओनली आयनिक। तो अब लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डेफिनेशन। तो स्टार्टिंग में आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है देख लो एक बार क्या लिखा है सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड्स लिंक्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिख लीजिए सेंट्रल मेटल आयन and ligand linked to it are enclosed in square bracket known as coordination sphere. Okay, next line likhna coordination sphere coordination sphere are non ionizable मतलब वो dissociate नहीं होता ना क्योंकि metal और ligand के बीच में क्या बनेगा coordinate bond। ठीक।
नेक्स्ट लाइन से लिखना। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो लिखिए द स्पीसीज, नेक्स्ट लाइन से द स्पीसीज ब्रैकेट में लिखना कैटायन आर एनायन, द स्पीसीज विच इज आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नोन एज काउंटर आयन, सी ओ यू एन टी ई आर, काउंटर आयन। एग्जाम्पल देखो, इन कॉम्प्लेक्स के फोर एफ सी एन सिक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि इसमें काउंटर आयन क्या है और क्वार्टेशन स्फीयर क्या है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है के फोर एफ सी एन सिक्स, ये क्या होगा, क्वार्टेशन स्फीयर। बट ये कैसे आपको मालूम होगा, चार्ज के साथ आपको निकालोगे तो ना, तो इसको आप डिसोसिएट कर दो बेटा, के फोर एफ सी एन सिक्स को जब आप क्या करोगे, डिसोसिएट करोगे, के फोर एफ सी एन सिक्स जब आप डिसोसिएट करते हो तो K के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सी एन सिक्स के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले तो क्लियर है, अब फोर जो है वो चार्ज किसका होगा, एनायन का, इधर कुछ भी नहीं है नंबर, तो चार्ज हो गया केटायन का, बट फोर इज द कोएफिशिएंट ऑफ पोटेशियम। क्लियर बच्ची? तो अब अगर कोई पूछे कि इन कॉम्प्लेक्स व्हाट इज द क्वार्टेशियन स्फीयर, तो आप बोलोगे ब्रैकेट बना के एफ पी CN6 minus 4, चार्ज के साथ ही बताओगे, only FeCN6 नहीं, तो FeCN6 minus 4 is coordination sphere and K plus, आपको 4 लिखनी होती है, K plus potassium ion is आपको, तो डिसोसिएट करके आपको समझ में आ जाएगा। आपके बुक में देखो सेम एग्जांपल लिया है, पेपर एफिशिएंसी सिक्स है ना, जहां क्वार्टेशन स्फीयर था उधर देखो दिख रहा है ना, एफिशिएंसी सिक्स माइनस फोर को बोल रहा है क्वार्टेशन स्फीयर, और जो आपका के प्लस है दैट इज अबाउट काउंटर आयन। नीचे और एक एग्जाम्पल लिख रहा है ब्रैकेट में, कैन यू राइट आयनाइजेशन ऑफ एनआई NH3CCl2 आइडेंटिफाई क्वार्टेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इन कॉम्प्लेक्स या क्वार्टेशन कंपाउंड एनआई क्या बोलो, NH3CCl2। अब इधर देखो आपका एनआयन वाला पार्ट है, तो आप इसको जब डिसोसिएट करोगे आप एनआई NH3 सिक्स, मैंने बोला नहीं बाहर रहेगा तो एनआयन है, ब्रैकेट के बाहर है तो राइट साइड में, इसको जब डिसोसिएट करोगे बेटा तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव, सॉरी ब्रैकेट के ऊपर सॉरी पॉजिटिव, और इसके ऊपर तो एनआई NH3 सिक्स पॉजिटिव प्लस Cl पे आएगा नेगेटिव। अब एक टू है तो टू किसका चार्ज हो जाएगा, ब्रैकेट वाले का कॉम्प्लेक्स का, और वन चार्ज होगा Cl का, बट टू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ, समझा? अब कोई पूछे इसमें क्या होगा काउंटर आयन और क्या होगा इसमें इनर स्फीयर, क्या बोलोगे, Ni NH3 सिक्स प्लस टू
is coordination sphere. Coordination sphere. And Cl minus is counter. Hopefully सबको ये identify करने आ गया कि coordination compound में coordination sphere क्या है और counter है क्या. Clear? तो cation नाम दिया रहेगा जो left वाला part of cation ये आपको याद रख लेना है और right वाला part क्या है anion. कभी भी dissociate करोगे अगर cation दिया रहेगा तो cation के ऊपर positive bracket के ऊपर anion दिया रहेगा तो anion के ऊपर negative bracket के ऊपर positive. के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि बाहर क्या है कैटायन है कि समझा. तो इधर कोफिशिएंट अब देखो अभी देखो कैल्शियम क्लोराइड का जब डिसोसिएट करते हो तो कैसे लिखते हो Ca के ऊपर क्या बताते हो चार्ज उल्टा होता है क्रॉस और Cl के ऊपर क्या होता है माइनस वन एक भी नंबर नहीं है बट ये जो Cl2 है ना Thank you.
चलो सेकंड क्या बोल रहा उसमें चार्ज नंबर चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्सीडेशन। दो टॉपिक है इसमें, एक ऑक्सीडेशन और एक चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज नंबर करते हैं। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड, पहले तो कॉम्प्लेक्स एंड आपको आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एंड मतलब और in a coordination compound, metal and ligand both are exerting the charge on the complex. Bracket के ऊपर जो भी आपका positive charge हो वो negative charge हो उसको हम क्या बोलते हैं, complex ion। अब complex ion में जो भी charge हो, net charge, चाहे वो positive में हो चाहे वो negative में, उसको हम क्या बोलते हैं, charge number। जैसे plus two लिखा है तो plus two ये आपका charge number, minus one लिखा है मतलब minus one इसका क्या हुआ, charge। लिखिए डेफिनेशन का, द नेट चार्ज बुक पे फर्स्ट लाइन में देखो लिखा है, द नेट चार्ज रिजाइडिंग लिखो, कैरीज लिखो, residing on the complex ion, the net charge residing on the complex ion is known as charge number of complex, is known as charge number of complex। clear? जो भी complex के ऊपर चार्ज रिजाइड करेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज नंबर। क्लियर? अरे चार्ज नंबर होता कहां से, मिलता कहां से? इट इज द व्हाट, अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ कैटायन, सॉरी मेटल एंड द लिगेंड, मेटल और लिगेंड दोनों से लिखा है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज अलजेब्रिक सम SUM sum of the charges carried by metal ion and ligands, okay। एग्जाम्पल लीजिए, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स Fe Cl6-4 इज, पहले जैसे इस कॉम्प्लेक्स का पूछा गया, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स
माइनस फोर दिख रहा है, इस क्या है माइनस फोर, क्लियर। जो चार्ज दिखेगा वो आपका चार्ज नंबर, बट अभी चार्ज नंबर आपको मिलता कहां से, तो चार्ज नंबर अगर निकालना हो तो चार्ज नंबर आप कॉम्प्लेक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा, अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल एंड लिगैंड, लिगैंड और मेटल के चार्ज को दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा चार्ज नंबर। देखते हैं एग्जांपल, चार्ज नंबर ऑफ Fe Cl6 -4 ये निकालना है आपको। तो Fe पे चार्ज कितना आएगा, पहले Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, मेटल के ऊपर जो भी चार्ज है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे FeCl6 आ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना है, बट पहले आपने पढ़ा है इसके, मैं ऑलरेडी अभी बस कैलकुलेट करना सिखा दे रहा हूँ। तो Fe का मान लिया हमने x, प्लस 6 इंटू साइनाइड का कितना होता है -1, इसे निकाल देना, इक्वल टू क्या हो गया -4, x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या आ गया -4 प्लस 6 कितना आ गया 2। तो क्या लिखो गया, चार्ज ऑफ Fe प्लस 2 है एंड प्लस चार्ज ऑफ 6 साइनाइड है, तो Fe का कितना है बेटा है +2 और 6 साइनाइड मतलब 6 इंटू -1 साइनाइड एक होता है तो 6 है तो -6 +2 -6 मतलब आपको एक प्रूफ करके बताया कि चार्ज नंबर जो आता है वो मेटल का और लिगेंड का दोनों को ऐड करने के आता है। वैसे तो सॉल्व करना है तो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चार्ज देखा बता दिया चार्ज नंबर, बट ये आपको आना चाहिए चार्ज नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चार्ज नंबर इज कैलकुलेटेड बाय द वर्ड सम ऑफ चार्ज ऑफ मेटल आयन एंड चार्ज बाय द वर्ड कैरिड बाय द लिगेंड, कंप्लीट कर लो उसको, ऑक्सीडेशन नंबर। I have to say,
So next. Yeah, I didn't get a good observation.